हेलो दोस्तों, कल मैसूर की रेस है 21 सितंबर 2023। 7 रेसेस है। कार्ड बहुत अच्छा लग रहा है, आई होप जैसा दिख रहा है वैसा हो, लेकिन कार्ड मेरे हैंडीकेपिंग में बहुत 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 अच्छा है। तो लास्ट दिल्ली अच्छी गई यार, मतलब इतना मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा सुपीरियर जाएगा। अच्छा लगा, हैंडीकेपिंग रेस हुई और तो दिल्ली इस बार मुझे लग रहा है कि अच्छा जाएगा, आई होप करता हूँ। तो चलिए बात करते हैं कल के मैसूर की रेस की। फर्स्ट रेस द एक्लिप्स प्लेट डिवीजन 2, 1200 मीटर की रेस है। हॉर्स रेटेड 0 to 25 क्लास टाइप की, 1200 मीटर की रेस है 2 बजे। यहाँ पर 12 घोड़े हैं, 12 हॉर्सेस। आपको दो तीन घोड़े नज़र में रख रहा हूँ क्योंकि ध्यान रहेगा आपका। फर्स्ट रेस है हॉर्स नंबर 2 मिस्टिकल मार्लिन, जो कि एके अनिकेत। और एक घोड़ा पसंद है हॉर्स नंबर 8 टॉप रैंक, जो कि ए आर प्रदीप। और एक घोड़ा नज़र रखना हॉर्स नंबर 11 50 ग्रांड, जो कि अंगद। अंगद का क्या है, शूज चेंज कर रहे हैं। अगर आप इसको 8 नंबर रेस देखोगे, 12 नंबर के साथ छठा लगा है, 12 नंबर थर्ड लगा, 8वां लगा है। लेकिन अगर आप इसका 1200 मीटर का रन देखोगे तो 43 रेस में ये थर्ड लगा था, 12 नंबर। और उस दिन भी शेयर सिंह था, और 43 रेस में 12 नंबर, सॉरी 11 नंबर चौथा लगा था, वो दिन आर शिव कुमार था, और अभी अंगद बैठा है। तो इन दोनों में से मुझे एक घोड़ा प्लेस पसंद है, वो है हॉर्स नंबर 11 50 ग्रांड, जो कि अंगद। और विन में पसंद है हॉर्स नंबर 2 मिस्टिकल मार्लिन, जो कि एके अनिकेत फॉर विन प्लेस। ये घोड़ा लाइट फ्रेम फिली है, मतलब 382, लेकिन मैसूर में चल जाता है। मैंने देखा है 362 किलो के घोड़े को जीतते हुए भी मैंने देखा है। तो लास्ट टर्न बहुत ही अच्छा था 1100 मीटर में। अभी ड्रॉ भी बहुत अच्छा है, जॉकी का अलाउंस का बेनिफिट हो रहा है। ये घोड़ा क्लास 4 जीता हुआ है, यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, लेकिन आप इंडिया रेस चेक कर लेना, ये घोड़ा क्लास 4 ऑलरेडी विनर है। तो ट्रैक भी अच्छा जा रहा है, बिल्कुल जीतना चाहिए इस फील्ड में। लास्ट टाइम टी पवन अच्छा रन किया था घोड़े को, ड्रॉ भी बहुत ही आउटसाइडर था, तो अभी ड्रॉ भी अच्छा है, ट्रैक भी अच्छा जा रहा है। फर्स्ट है हॉर्स नंबर 2 मिस्टिकल मार्लिन, जो कि एके अनिकेत फॉर विन प्लेस, और आप देख लेना हॉर्स नंबर 11 50 ग्रांड, जो कि अंगद फॉर प्लेस। इसकी प्लेस आप देख सकते हो, मुझे ये घोड़ा प्लेस में पसंद है। अब बात करते हैं सेकेंड रेस द एक्लिप्स प्लेट डिवीजन 1, 1200 मीटर की रेस है। हॉर्स रेट है 0 to 25 क्लास 5 की, 230 को ये रेस है। यहाँ पर भी 12 हॉर्सेस हैं। यहाँ पर मेरी चॉइस है हॉर्स नंबर 7 मेराकी, जो कि एस जॉन फॉर विन। ये घोड़ा जीतना चाहिए, लास्ट टर्न बहुत ही इजीली जीता, मतलब ऑलमोस्ट विन होते होते हार गया था रेड हिल से। तो ये ध्यान रखना, अगर फर्स्ट रेस में 2 नंबर जीतता है तो सेकंड रेस में 7 नंबर चांसेस ब्राइट हो जाएंगे, ऑन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सेकंड फर्स्ट रेस का 2 नंबर इसी के पीछे थर्ड लगा हुआ है। तो उसका जीतना इसके जीतने को चांसेस को बढ़ा देगा। होता है हमेशा, कभी कभी नहीं होता, लेकिन ये हैंडीकेपिंग की स्ट्रेटेजी है, तो इसको ध्यान रखना। तो सेकेंड रेस हॉर्स नंबर 7 मेरा की, जो कि एस जॉन फॉर इन प्लेस। ये मेरा फर्स्ट डे बेस्ट है, क्लास 5 है, लेकिन फिर भी मैं कंसिडर करूँगा घोड़ा जीतना चाहिए, एस जॉन के हैंड में घोड़ा नहीं आना चाहिए। अब बात करते हैं थर्ड रेस द HS3 चामराजा वडियार मेमोरियल ट्रॉफी, 1200 मीटर की रेस है। हॉर्स रेटेड, सॉरी मेडन हॉर्स है 3 ईयर ओल्ड ओनली, 3 बजे। यहाँ पर 12 हॉर्सेस हैं, 12 घोड़े। यहाँ पर मेरी चॉइस है हॉर्स नंबर 9 स्टार कॉन्सेप्ट, जो कि विनोद शिंदे फॉर विन प्लेस। प्लेस मिले तो प्लेस खेलना। घोड़ा
आयरिश कॉफी के पीछे थर्ड सेकंड लगा हुआ है फेवरेट होके। घोड़ा स्टार्ट टू फिनिश अटेम्प्ट कर रहा था सूरज, लेकिन हुआ नहीं, आयरिश कॉफी आके मार गया। और आयरिश कॉफी अभी क्लास 3 शायद जीत चुका है। तो 9 नंबर के पीछे भाग रहा था 11 नंबर क्रॉस वाटर 167 रेस में, न्याय के पीछे ये दोनों पिटे हुए हैं। और 9 नंबर पर उस दिन हैंग इन हुआ था घोड़ा। अभी बिल्कुल सूरज ट्रैक में खुद काम दिया है, देखना क्या भाव खुलता है। प्लेस मिले तो प्लेस खेलना, मेडन रेस नहीं तो आप छोड़ सकते हो। मुझे 9 नंबर ही पसंद है। थर्ड रेस हॉर्स नंबर 9 स्टार कॉन्सेप्ट, जो कि विनोद शिंदे फॉर विन प्लेस। अब बात करते हैं फोर्थ रेस, द MB अप्पया मेमोरियल ट्रॉफी। 1600 मीटर की रेस है, हॉर्स रेट 40-65 क्लास 3 की, 330 को ही रेस है। यहाँ पर 7 घोड़े हैं, 1-2 की बैट है। यहाँ पर मुझे 2 घोड़ों में रेस लग रही है, एक हॉर्स नंबर 3 आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि वाई श्रीनाथ श्रीनाथ को बिठाया है। एक बार इसको आप देख रहे होगे तो 57 रेस में श्रीनाथ ने इस घोड़े को जिताया हुआ है 5.5 लेंथों से। तो अभी उसका जिसने जिताया है तो वही बैठा है, तो बिल्कुल एडवांटेज है। और एक घोड़ा पसंद है हॉर्स नंबर 4 एरिदानी जो कि VR जगदीश। रेस इन्हीं दोनों के बीच में होना चाहिए, इन्हीं दोनों में से एक घोड़ा जीतना चाहिए मेरे हैंडीकैपिंग में। बाकी मुझे 2 नंबर नहीं पसंद अगर फेवरेट खुलता है तो, क्योंकि अगर आप देखोगे या नहीं शो हो रहा है, लेकिन 80 रेस में टूलेट टोर्नाडो को ऑलरेडी मारा हुआ है एरिदानी ने। और एरिदानी ये डिस्टेंस जाएगा, इसका आप दोनों रन इग्नोर करो। 36 रेस में माइटी जू को बीट किया था और माइटी जू क्लास 3 जीता हुआ है। तो ये बिल्कुल इसका दोनों रन इग्नोर करो, ये ट्रैक में बहुत अच्छा दिख रहा है और घोड़ा बिल्कुल बनता है। रेस इन्हीं दोनों के बीच में है। फोर्थ रेस हॉर्स नंबर 4 एरिदानी जो कि VR जगदीश फॉर इच्वे इन प्लेस। ये घोड़ा मुझे पसंद है इन प्लेस में। मुझे 3 नंबर नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा सा। जीत सकता है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा जीतना नहीं चाहिए, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम घोड़ा ट्राई हो चुका है तो कल जीत सकता है, लेकिन एरिदानी थोड़ा सा मुझे बेटर एडवांटेज लग रहा है। तो फोर्थ रेस हॉर्स नंबर 4 एरिदानी जो कि VR जगदीश फॉर इन प्लेस। अब बात करते हैं फिफ्थ रेस, WA ननहिया मेमोरियल ट्रॉफी। 1200 मीटर की रेस है, हॉर्स रेट 60 एंड अबव क्लास 2 की, 4 बजे। यहाँ पर 12 हॉर्सेस हैं। यहाँ पर मेरी चॉइस है हॉर्स नंबर 8 स्मार्ट कैटेलिक जो कि वी डसन एंटोनी फॉर इन प्लेस। लास्ट टाइम इस घोड़े पर मुझे बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंट था कि घोड़ा जीत जाएगा, लेकिन जीता तो नहीं, प्लेस आया था और मैंने इसको इच्छे खेला था, मुझे पूरा याद है। तो इस बार ये घोड़ा जीतना चाहिए, आप इच्छे खेलो, प्लेस मिलता तो प्लेस सेफ बैट। फिफ्थ रेस हॉर्स नंबर 8 स्मार्ट कैडिलैक जो कि वी डेसन एंटोनी फॉर इच्छे इन प्लेस। आप 11 नंबर पर भी नज़र रखना, 11 नंबर उसी के साथ 55 रेस में भागा हुआ है, बहुत लेट गेलअप हुआ था उस दिन, तो कुछ गड़बड़ ना कर दे बस। 11 नंबर भी पसंद है, लेकिन हैंडीकैपिंग के हिसाब से 8 नंबर बेटर एडवांटेज है। अब बात करते हैं सिक्स रेस, द कसर गॉड प्लेट। 1800 मीटर की रेस है, हॉर्स रेट है 20-45 क्लास 4 की, 4:30 बजे। यहाँ पर 12 हॉर्सेस हैं, बहुत ही बिग मतलब फर्स्ट टाइम 1800 मीटर कोई भी घोड़ा अभी तक गया नहीं, तो ये थोड़ा सा कंसर्न है कि कौन जाएगा ये डिस्टेंस। लेकिन एज पर द लास्ट टर्न मुझे 10 नंबर पसंद है, फाराजॉन जॉकी एले रोजारियो। ये जॉकी अभी फॉर्म में शायद नहीं है, अभी इसका तो इन देखा नहीं है, लेकिन इरफान घटाला के घोड़े को ट्राई करता है तो इसको बनता है, लेकिन भाव होना चाहिए 3.5-4, उससे नीचे तो खेलने वाला हूँ नहीं मैं। अगर प्लेस मिलता है तो सेफ बेट प्लेस। सिक्स रेस हॉर्स नंबर 10 फराजोन जो कि एलेक्स रोजारियो और इचियो इन प्लेस। अब बात करते हैं सेवन्थ रेस लास्ट रेस, द फेयरवुड प्लेट। 1400 मीटर रेस है, हॉर्स एट 40-65 क्लास 3 की, 5 बजे। 15 हॉर्सेस हैं,
और यहाँ पर मैं आपको अपना सुपर हिट बेट देता हूँ, नहीं देना चाहता लेकिन घोड़ा ही ऐसा है कि बनता है। मेरी हैंडीकैपिंग में वन हॉर्स रेस है, बाकी रेस को मैं रेस के हिसाब से छोड़ देता हूँ। मैंने जितना हैंडीकैपिंग है, घोड़ा बिल्कुल वन हॉर्स रेस में जीतना चाहिए। सेवेंथ रेस, हॉर्स नंबर 5 गोल्डन टाइम, जॉकी विवेक जी फॉर इन प्रेस। ये घोड़ा कल जीतना ही चाहिए एज पर द हैंडीकैपिंग, बाकी जो चाहे हो जाए, लेकिन ये मेरा सुपर हिट बैट है। प्लेस मिले तो प्लेस ही खेलना, सेफ बैट क्योंकि लास्ट रेस है, कहीं ये पिटपिटा गया तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ, घोड़ा बोर्ड आउट नहीं होगा 1 2 3 से। अब रेसिंग है, बहुत सारे इंसिडेंट हो जाते हैं, लेकिन हैंडीकैपिंग के हिसाब से 5 नंबर इस फील्ड को इजीली जीतना चाहिए। अगर आप देखोगे, ये 1400 मीटर का घोड़ा है, इसको आप देखो, विवेक जी ने ही 2 बार जिताया हुआ है और विवेक जी ही इसको चला रहा है। इसका ट्रैक बहुत अच्छा जा रहा है। 97 रेस में 4 नंबर के साथ भागा हुआ था, थर्ड लगा हुआ था, और 97 रेस में 5 नंबर सेकंड लगा है। और लास्ट टाइम जब इसका रन हुआ था, लास्ट दोनों रन इसके सजेस्टिव थे, और लास्ट टाइम इनायत बहुत ही लेट गेलअप करके लाया था, लेकिन आते आते लेट हो गया था और मिशिगन मेलोडी जीत गया था। ये बिल्कुल कल जीतना चाहिए यार, चाहे जो हो, मैं इसको ही लेके चलूँगा। सेवेंथ रेस, हॉर्स नंबर 5 गोल्डन टाइम, जॉकी विवेक जी फॉर इन प्लेस। भाव मिलेगा जरूर आपको इसको, 4.5-5 का भाव। इच्छुए खेलो, प्लेस मिलता है तो प्लेस, सेफ बैट। लास्ट रेस है, बहुत रिस्की हो जाता है क्योंकि थोड़ा हार गया तो पैसा चला जाएगा लास्ट में, आप जो प्रॉफिट किए होगे तो वो चला जाएगा, तो आपकी मर्जी। मैं अपना हैंडीकैपिंग के हिसाब से मैं लास्ट रेस नहीं देना चाहता, लेकिन घोड़ा भी बनता है बिल्कुल। इस फील्ड को आराम से पीटना चाहिए सबको, क्योंकि एक्स्टर के ऊपर पेनल्टी बहुत ज़्यादा है, इस फील्ड को नहीं बनता। और टॉप डांसर है, ध्यान रखना, लेकिन मुझे नहीं लगता है टॉप डांसर बनता है, क्योंकि विन माई लव के पीछे ये पीटा हुआ है 5 नंबर, उसी सेम स्टेबल का। अगर आप देखोगे, वो इन माई लव के पीछे सेकंड लगा था, इन माई लव भी सेम ओनर ट्रेनर का था, नेल डेबने और डॉक्टर सुरेश चिंतामणि, तो उस कनेक्शन के हिसाब से टॉप डांसर नहीं पिट सकता, मुझे नहीं लगता टॉप डांसर बनता है, क्योंकि बहुत अच्छी फील्ड देखी हुई है और बहुत दिन से मतलब ट्राई हो रहा है गोल्डन टाइम। इस फील्ड को आराम से पीटना चाहिए, ट्रैक उसका बेटर से बेटर है। तो बाकी रेस है, ड्रैगन्स गोल्ड थोड़ा सा पसंद है, देखेंगे, क्योंकि एक बार इसने जीता है क्लास 4 में 14.5 लेंथों से। अभी बॉटम वेट है, देखेंगे, ध्यान रखना। बाकी मेरा फाइनल चॉइस है रेस नंबर 7, हॉर्स नंबर 5 गोल्डन टाइम, जबकि विवेक जी फॉर इन प्लेस। ये मेरा सुपर हिट बैट है, अगर आपको प्लेस मिलती है तो प्लेस ही खेलना, मतलब लास्ट रेस में विन मार देना, फिर घोड़ा हार गया, सेकंड थर्ड हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, प्लेस श्योर शॉट है। तो आई होप आपका दिन अच्छा जाए, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट मैसूर की रेस में, आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, गुड बाय।